फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप और यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास फोर साइंस के चैप्टर 3 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का सही सही आंसर इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिए गए हैं, तो आप लोग इजीली डीएवी क्लास फोर की किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का ये सॉल्यूशन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का एक कलरफुल रंग बिरंगा पार्ट होता है। सेकंड, ए फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बड। एक फ्लावर जो है एक बड से डेवलप होता है। थर्ड, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव्स इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। ऑयल जो कि क्लोव से निकल करके आता है उसे मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। फोर्थ, वी मस्ट प्रोटेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम डैश अननेसेसरली। देखिए, हमें फ्लावर्स को बचाना चाहिए ताकि वो अननेसेसरली क्या नहीं हो, लग नहीं हो, उन्हें कोई तोड़ ना पाए। नेक्स्ट, ड्राई फ्रूट्स आर जनरली ईटन इन डैश सीजन। ड्राई फ्रूट्स को जनरली कब खाया जाता है, तो विंटर सीजन में खाया जाता है। बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ए, बर्ड इज कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। ट्रू, बर्ड एक ग्रीन लीव से कवर होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। सेकेंड, ऑल फ्लावर्स लुक अलाइक। क्या सभी फ्लावर एक तरह दिखते हैं, इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड, लेवेंडर इज कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल। लेवेंडर को कुक करके वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फोर्थ, फ्रूट्स मेक फ्लावर्स। क्या फ्रूट्स फ्लावर्स बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि फ्लावर्स फ्रूट बनाते हैं ना कि फ्रूट फ्लावर्स बनाते हैं। फिफ्थ, जैक फ्रूट एंड टोमेटो आर फ्रूट्स दैट आर ऑफन यूज्ड एज वेजिटेबल। जैक फ्रूट और टोमेटो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अक्सर वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट बोला गया है इट ब्लूम्स इन समर, यानी ये समर में खिलता हो, तो इसका आंसर होगा मोतिया। सेकंड, इट इज यूजफुल फॉर क्योरिंग वाउंड्स एंड इंजरीज, यानी वाउंड्स को और इंजरीज को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अर्निका। थर्ड, इट हैज मेनी सीड्स। इसके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटरमेलन। फोर्थ, इट इज जनरली नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग जैम्स। इसका मेनली जैम्स बनाने में कोई यूज नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा बीटर ग्राउंड। ओके, अब नेक्स्ट आता है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, जिसमें फर्स्ट है स्टेज एंड टू यूजेस ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर्स के आप लोगों को दो यूजेस यहां पे लिखने हैं। अब देखिए, फ्लावर्स के तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो यूजेस लिखने हैं, जिसमें आप सबसे पहला ये लिख सकते हैं कि फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, एंड दूसरा ये लिख सकते हैं फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिंस। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डू ग्रीन लीव्स हेल्प अ बर्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं बर्ड के आसपास, वो किस प्रकार से उस बर्ड की हेल्प करते हैं। तो जो ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उस बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे इस चीज में मदद करते हैं कि वो फ्लावर के रूप में खिल पाए। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेम टू फ्लावर्स विच आर ईटन एज वेजिटेबल। यहाँ पे आपको दो फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिसको डायरेक्ट वेजिटेबल के रूप में खा लिया जाता है। ओके, तो कौन कौन से हो जाएंगे, कचनार और बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी थ्री ड्राई फ्रूट्स राइट टू वेज इन विच दे आर यूज इन आवर डेली लाइफ। आपको यहाँ पे तीन ड्राई फ्रूट्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे हमें दो तरीके बनाने हैं, जो ऐसे पॉइंट्स बताने हैं, ओके, जिसके चलते उन्हें हम अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताना है, तो आप सभी जानते होंगे कि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं। ओके, तो ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स में आपका हो जाएगा कैश्यू नट्स, आलमंड्स। ओके, एंड इनका यूज कैसे किया जाता है, तो इनका यूज किया जाता है बहुत सारे डिशेस को बनाने में। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेस दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। मेनली हम लोग इसे कब खाते हैं, विंटर सीजन में खाते हैं, एंड इसे बहुत सारे डिशेज बनाने में यूज में लाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ई में बोला गया है फर्स्ट राइट फाइव लाइन्स अबाउट फ्लावर्स। यहाँ पे आपको फ्लावर्स के बारे में पांच लाइन लिखने हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि फ्लावर का यूज लिखना है, फिर क्या और लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए कि फाइव लाइन्स अबाउट फ्लावर लिखना है, यानी आप फ्लावर के बारे में कोई भी पांच लाइन्स लिख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लाइन यहाँ पे लिख के बताया हूँ, जैसे फ्लावर इज अ कलरफुल पार्ट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो एक बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल पार्ट होता है किसी प्लांट का। इट हैज अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, उसके पास एक बहुत ही अच्छी
सुगंधित महक होती है, ओके, वो बहुत ज़्यादा अच्छा महकता है, ये हम लोग जानते हैं फ्लावर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग ये लिखेंगे फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स, फ्लावर्स के पास अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, ओके। और हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक परफ्यूम्स, ओके। तो ये पाँच लाइन्स मैंने आपको दिए हैं जो कि बहुत ही सिंपल लाइन्स है, एंड इसे जब लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीजनल फ्लावर, गिव टू एग्जांपल ऑफ सीजनल फ्लावर, आप सीजनल फ्लावर से क्या समझते हैं, दो एग्जांपल दे दीजिए, ओके। सीजनल फ्लावर का क्या मतलब होता है वो समझिए, सबसे पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा वो बताता हूँ। देखिए सीजनल फ्लावर का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट सीजन में उगे, ओके, यानी डिफरेंट सीजन में ग्रो होने वाले फ्लावर्स को हम लोग सीजनल फ्लावर बोलते हैं, ओके। जैसे कि समर में आपने चमेली, मोतिया, सदाबहार जैसे को देखा होगा, ओके, जो कि गार्डन में खेलते हैं, वहीं पर जो विंटर में हम लोग देते हैं डहलिया, रोज, ओके, इस प्रकार के फ्लावर्स जो है वो खिलते हैं। तो सीजनल फ्लावर क्या होगा, तो द फ्लावर्स विच ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स इज कॉल्ड सीजनल फ्लावर, ओके। फॉर एग्जांपल इन समर चमेली, मोतिया, सदाबहार रोज, एंड इन विंटर डहलिया, रोज एंड क्रिसेंथेमम ग्रो, ओके, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट एनी टू यूजेस ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के आपको यहाँ पे दो यूजेस लिखने हैं, ओके, जो फल होते हैं उनके क्या दो यूजेस होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और जब फ्रूट्स में सीड्स होते हैं तो सीड्स के चलते जो है न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं, तो फ्रूट्स हैव सीड्स एंड दिस सीड्स आल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ओके। और ये जो सीड्स होते हैं वो नए नए प्लांट्स उगाने में हमारी मदद करते हैं, ओके, ये इसका पहला यूज हो गया। नेक्स्ट यूज क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दे आर यूज टू मेक चटनीज, पिकल्स एंड मैरमेलेडस, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया लिस्ट द फूड प्रिपरेशंस दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग मैंगो फ्रूट, मैंगो फ्रूट को यूज करके कौन कौन से फूड प्रिपरेशंस किए जा सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। मैंगो इज यूज टू मेक पिकल्स, मैंगो इज यूज टू मेक चटनीज, एंड मैंगो इज यूज टू मेक मैरमेलेडस। मैंगोज का बहुत सारा यूज होता है, उसे चटनी बनाने में, अचार बनाने में, मैरमेलेडस बनाने में यूज किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन यूजेस बता दिए, इसे यदि आप एक में लिख देंगे ना थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन यदि आप इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा होगा। अब यहाँ पे हम लोग वीबीक्यू देख लेते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले केस में पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। रीता वांटेड टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द नियर बाई गार्डन, हर मदर ऑब्जेक्टेड टू इट एंड सेड दैट वी शुड टेक केयर ऑफ फ्लावर्स एंड नॉट प्लक देम। यहाँ पे देखिए रीता जो है वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि वो नियर बाई अपने आस पास के गार्डन से जो है फूल तोड़ना चाहती थी, ओके, कौन, रीता। लेकिन उसकी मदर जो है वो ऑब्जेक्ट करती, बोलती तुम ऐसा नहीं करोगी, और उसे ये बताती है कि हमें फ्लावर का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जब वो घर जा रही होती है तो रीता की जो मदर होती है उसे फ्लावर का एक ब्रॉकेट लेकर के देती है, ओके, एक यंग बॉय से जो कि फ्लावर्स बेच रहा होता है। वो बताती है रीता को कि जो फ्लावर्स वो खरीदी है ना, जो बॉय वो फ्लावर्स को बेच रहा था, उसे इसलिए कल्टीवेट किया गया है ताकि वो बेचा जा सके, यानी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर्पज के लिए उसे कल्टीवेट किया गया है, ओके, एंड जो मनी उसे मिलेगा ना उसके हेल्प से वो अपने फैमिली को देख रेख कर सकेगा, ओके। ये बात कौन बताती है, रीता की मदर रीता को बताती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई डज रीताज मदर ऑब्जेक्ट टू प्लकिंग ऑफ फ्लावर। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि गार्डन में जो भी फ्लावर उगते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, यानी उसे सेलिंग पर्पज के लिए नहीं उगाया जाता है। लेकिन रीता की मदर ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जो बिना मतलब के फ्लावर्स को तोड़े, इसलिए वो उस लड़के से उसे फ्लावर लेकर के दे देती है, ओके, इसलिए वो ऑब्जेक्ट करती है कि फ्लावर तुम्हें नहीं तोड़ने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द अबव सिचुएशन टेल अस अबाउट रीताज मदर, रीता की मदर के बारे में हमें क्या पता चला इस सिचुएशन से। तो देखिए इससे हमें ये पता चला कि रीता की मदर जो है वो बहुत ही काइंड है, अच्छी है, और यहाँ पे वो नेचर लवर है, यानी प्रकृति से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, फूलों ये सबको तोड़ना वो नहीं चाहती है। लास्ट आता है, सजेस्ट सम वेज टू हेल्प द नीडी, हमें नीडी की हेल्प करनी है तो कुछ वेज बताइए। तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं, एक मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा कि हमें उसे क्लोज देने चाहिए, उसे यदि पैसों की जरूरत है पैसे देने चाहिए, ओके। तो नीडी को हम लोग इस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, ओके, एंड यदि आप कोई दूसरा लिखना चाहते हैं उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीवीक्यू भी कंप्लीट हो गया।
गया, अब समथिंग टू डू आपको खुद करना चाहिए। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट ला देता हूँ। आप लोग किसी भी वीडियो को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट पर जरूर से विजिट कीजिएगा, एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।